सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है, इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में एकता होती है। जब कोई विचार अन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक भौतिक और मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन रहते हैं और ना समझ बोलने लगते हैं। आज का पंचांग 15 अप्रैल 2024 दिन सोमवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 12:11 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र रात 3:05 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:44 से 9:18 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:01 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर रात्रि 8:39 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की 7वें दिन की शुभकामनाएं। मिथुन राशि 15 अप्रैल 2024 दिन सोमवार, यह समय है नई शुरुआत का, तो जहाँ भी हो सके नए कनेक्शन बने। नेटवर्किंग आपको आय के नए स्रोत प्रदान कर सकती है। व्यक्तित्व में परिवर्तन की भी संभावना है। आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। अपने अनुभव और तर्क संगत को बढ़ाएं, इससे आपको सही फैसला लेने में मदद मिलेगी। आप जो भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। इंसान की किस्मत उसके हाथ में नहीं होती पर उसके निर्णय उसी के हाथ में होती है। आपके शांतिपूर्ण मन स्थिति में औरों के सवालों से बाधा पहुंचेगी। वे सब जानने के लिए बहुत व्याकुल हैं कि आपकी निजी और व्यावसायिक जिंदगी में क्या चल रहा है। आपके किसी करीबी ने ही उन तक आपकी भविष्य की योजनाओं की जानकारी पहुंचाई है, लेकिन आप इन सब की अपेक्षा कर दी और केवल अपने काम पर ध्यान दी। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों का दबाव और घर में अनबन के चलते आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है, जो काम में आपकी एकाग्रता को भंग करेगा। आप जीवन में पैसे की अहमियत को नहीं समझते, लेकिन आज आपको पैसे की अहमियत समझ में आ सकती है, क्योंकि आज आपको पैसों की बहुत आवश्यकता होगी। लेकिन आपके पास पर्याप्त धन नहीं होगा। पारिवारिक सदस्य या जीवन साथी तनाव की वजह बन सकती है। यात्रा के चलते रूमानी संबंध को बढ़ावा मिलेगा। इस राशि के लोगों को आज शराब सिगरेट से दूर रहने की भी जरूरत है, क्योंकि इससे आपका कीमती समय बर्बाद हो सकता है। इस राशि के लोग आज अपने अंदर बढ़े हुए आत्मविश्वास का अनुभव करेंगे, जिसे वे अपनी कुशलता और ज्ञान के साथ किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे। आपको अपनी कार्य प्रणाली को संतुलित रखने के लिए मेहनत करने की जरूरत है, ताकि वे किसी भी प्रकार के काम में निरंतरता और सहजता से कार्यवाही कर सके। आज कोई महत्वपूर्ण सूचना आपको मोबाइल या ईमेल के माध्यम से मिल सकती है, इसलिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको सचेत रहना चाहिए और अपनी सूचनाओं को संभाल कर रखना चाहिए, ताकि आप समय पर कोई भी महत्वपूर्ण संदेश या निर्देश प्राप्त कर सके। आज के दिन आपके लिए सकारात्मक और उत्साहजनक हो सकता है, जिसमें आप अपनी क्षमताओं को परख सकती हैं, अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं। जब आप निर्णय लेते हैं तो आपको दृष्टिकोण बनाए रखने की जरूरत होती है। परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना आपको निर्णय लेते समय और समय के बाद उनके सहायता के लिए सहारा देता है। उनके दृष्टिकोण और अनुभव आपको नए पहलुओं को समझने में मदद करते हैं और आपको बेहतर निर्णय लेने में सहायक होते हैं। आप अपने नजरिए को बदलने की क्योंकि इसकी जरूरत है। विभिन्न भावनाओं को समझने में यह मदद करता है और आपको नए और संवेदनशील सोच की ओर ले जाता है। नकारात्मकता से बचना आपके आत्मविश्वास को कम कर सकता है, इसलिए आपको सकारात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए। करियर संबंधित निर्णय पक्का हो सकता है और इसके परिणाम स्वरूप आपकी जीवन शैली में बदलाव
आ सकता है। आपको काम पर ध्यान देना होगा और अपने करियर को बढ़ाना होगा। इसके लिए वरिष्ठ व्यक्ति से चर्चा करना और उनकी सलाह लेना महत्वपूर्ण है। उनका अनुभव आपको अधिक जानकारी और सहायता प्रदान कर सकता है। सावधानियाँ, बच्चों के साथ संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। यह उनके आत्मविश्वास और संवेदनशीलता को बढ़ावा देगा। अगर कोई समस्या आती है तो आपको अपने अंदर के नकारात्मक विचारों को हटाकर विश्वास और समर्थन का वातावरण प्रदान करना चाहिए। दिन भर के भाग दौड़ के बाद दोपहर में बच्चों से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। आपके दोस्तों और प्रियजन वो संपत्ति है जो आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्यार में पहल कोई भी करे, बस इसका अंश सुखद होना चाहिए। अब वो पल आ चुका है जब आपको सही समय पर सही निर्णय लेना है। आज अब जो चाहेंगे वही पाएंगे। अपने स्पेशल दोस्त के साथ बैठकर भविष्य की बात करने से अधिक रोमांटिक और क्या हो सकता है। बस एक दूसरे पर पूरा विश्वास करें ताकि लाख मुसीबतों के बाद भी आपका यह संबंध ना टूटे। आप में सामाजिक ऊर्जा की अधिकता रहेगी और आप अपने साथी के साथ लोगों से मिल सकते हैं। एक रास्ता आपके स्वभाव में नहीं है, कुछ नवीन करने की कोशिश करें क्योंकि बोरियत आपके संबंधों पर हावी होती दिख रही है। व्यावसायिक और कार्य क्षेत्र से संबंधित मामले एक जबरदस्त गति से आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो आप इस बवंडर में फंस गए हैं। आप ध्यान से देखें आपका साथी किनारे पर आपका इंतजार कर रहा है। बात करती है करियर की। जब आपको ऐसे लोगों का सामना करना पड़ सकता है जो अपनी दृष्टिकोण और मांग में काफी तेज होंगे, लेकिन अपने पेशेवर लाभ और अपनी कंपनी के प्रचार के लिए ये सब आपको झेलना और सहना पड़ सकता है। हालांकि आपकी शांति और धैर्य को देखकर एक सफल विज्ञापन एजेंसी व्यापार के लिए आपसे संपर्क कर सकती है और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आपको एक उन्नत पद पर पदोन्नत भी किया जा सकता है। आज हर काम पूरी निष्ठा से करें और हर बात का ध्यान रखें। लोगों का सम्मान करें और अहंकार को दूर करें। फर्जीपन या घमंड से किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। किस्मत आज आप पर मेहरबान है, इसीलिए आप जो भी चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए आज पूरी मेहनत करें। जो लोग रत्नों और गहनों के व्यापार से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए आज का दिन खास तौर पर शुभ है। ध्यान रहे अपने समय और संसाधनों का सही से उपयोग जरूर करें। आपसे सूझबूझ और व्यवस्था से कारोबारी मामलों में सुधार किया जा सकता है। साथ ही काम करने वाले सहकर्मियों की मदद से आपको बेहतर फैसले लेने में मदद मिलेगी और कार्य क्षमताओं में सुधार कर सकते हैं। नौकरी में आपको अपने काम के प्रति सजग और बनावटी रहना चाहिए। लापरवाही से बचना आपके करियर के विकास में मदद कर सकती है और आपको प्रमोशन के योग बन रहे हैं। अपने साथियों के साथ मिलकर सहयोग करना चाहिए और उनके सुझावों का समीक्षण करना चाहिए। यह हमें उन्नति के मार्ग पर ले जाने में मदद करेगा और आपको कार्य क्षमता में सुधार करेगा। बात करते हैं सेहत की। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। पानी की मात्रा बढ़ाएं, घर पर बने सादे खाने का सेवन करें और एल्कोहल का सेवन बंद करें। दांतों की साफ सफाई नियमित रूप से करें। आज का उपाय, आज आप माता दुर्गा जी के मंदिर जाएं और श्रृंगार चढ़ाएं। आज अति शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।